आज हमारा टॉपिक है एम्पाइमा। एम्पाइमा यहाँ पे वर्ड PYE, दिस PYE रेफर्ड फॉर पस, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ पस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब स्पेस जान लेते हैं कि कौन सा स्पेस है। द स्पेस इज प्लूरल स्पेस, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी के अंदर अगर पस फिल होना स्टार्ट हो जाता है, सो दैट इज नोन एज एम्पाइमा, ठीक। इतना स्पेस नहीं होता है प्लूरल और विजरल कैविटी के बीच में, प्लूरल और विजरल प्लूरा के बीच में। मैं जस्ट डायग्रामेटिकली आपको समझाने के लिए इतना वाइट स्पेस क्रिएट कर रही हूँ। सो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लूरा विच इज नोन एज पैराइटल प्लूरा। दिस इज द विजरल प्लूरा, द इनर प्लूरा। द स्पेस इज नोन एज द कैविटी, प्लूरल कैविटी। And the normal fluid that is in between, जो proteinaceous fluid इसके अंदर रहता है ताकि ये दोनों layers को lubricate कर सकें, आसानी से constriction और expansion हो सके lung में, इसके लिए जो fluid रहता है, lubricating fluid, उसको हम कहते हैं pleural fluid। Okay? तो इस प्लूरल कैविटी के अंदर किसी कारणवश अगर पस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, सो दैट पस फिल्ड स्पेस, पस एक्यूमुलेशन या एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज एम्पाइमा, ठीक। तो हम अभी तक प्लूरल स्पेसेस में काफ़ी टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने प्लूरल एफ्यूशन पढ़ा था। प्लूरल एफ्यूशन फ्लूइड का कलेक्शन है। फ्लूइड कलेक्ट होके धीरे धीरे अगर उसमें पस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, सो दैट इज़ अ सेकेंडरी फॉर्म। लेकिन अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो हम उसे प्लूरल फ्यूशन कहते हैं। पस इकट्ठा हो रहा है तो हम उसे एम्पाइमा कहते हैं। अगर एयर इकट्ठा हो रहा है तो हम उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। वो तो ऑल टोटल थोरैसिक कैविटी के लिए भी कहा जाता है। और अगर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो वी कुड कॉल इट एज ईदर इन द प्लूरल कैविटी और इन द थोरैसिक कैविटी एज अ होल, तो हम उसको क्या कहते हैं, हीमोथोरैक्स, ठीक। सो दिस इज द टर्म एम्पाइमा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एम्पाइमा प्रोग्रेस कैसे करता है। तो द नेक्स्ट थिंग इज स्टेजेस ऑफ एम्पाइमा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एम्पाइमा का जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव स्टेज में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, जैसे निमोनिया हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर ऐसा कोई भी एक COPD कंडीशंस हो गए, इनकी वजह से मान लीजिए कि अगर नेक्रोसिस हो रहा है, लीजन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लीजन्स की वजह से कुछ एरियाज ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और ब्रेक डाउन होंगे तो अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्सुडेट करके कहाँ आ जाएंगे, वो इस कैविटी में आके सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब लार्जर मॉलिक्यूल्स प्लूरल कैविटी में आ जाएंगे तो वो अपने फोर्स से अंदर से फ्लूइड भी क्या करेंगे, अपनी तरफ ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लूइड भी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एक्सुडेशन ऑफ द प्रोटीन विथ फ्लूइड, विथ और विदाउट पस, इज नोन एज एक्सुडेटिव। क्योंकि अगर अंदर लंग एब्सेस था और वो वाला पस अगर आ गया है तो हो सकता है कि एक्सुडेटिव में पस भी फिल होना स्टार्ट हो जाए प्लूरल कैविटी में। लेकिन अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई पस नहीं है तो ज़्यादातर क्लियर फ्लूइड यहाँ पे भरता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर से, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सुडेटिव फेज में देयर कैन बी फिलिंग ऑफ द फ्लूइड विथ और विदाउट पस, ठीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट स्टेज इज फाइब्रोपुरुलेंट स्टेज। फाइब्रोपुरुलेंट, फाइब्रो इज फाइब्रस टिश्यूज के लिए, और पुरुलेंट मतलब जब कोई चीज़ सड़ जाती है, मतलब नेक्रोस्ड होके वहाँ पे पस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट वी कॉल एज फाइब्रोपुरुलेंट। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे फाइब्रस टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, फाइब्रस स्कार्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे व्हाट डू यू कॉल, धीरे धीरे यहाँ पे पस और फाइब्रस स्कार्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक, समथिंग लाइक दिस। नाउ द थर्ड स्टेज इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि फाइब्रस स्कार्स और जो पस है विद दैट फ्लूइड आराम से अरेंज हो जाते हैं, ठीक।
ऐसे समथिंग अरेंज होंगे एंड इसके बीच में पस और फ्लूइड भी क्या होंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये पूरा एरिया आराम से क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड होके पैक हो जाता है। मतलब भी बिल्कुल भी ये इसमें स्पेसेस नहीं रह जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि एक बार अगर ये सारा जो डेब्रिस मटेरियल है, पस पुरलेंट जो गैंग्रीन के बाद जो पुरलेंट मटेरियल आया है, जो फाइब्रस स्कार्स हैं, जो फ्लूइड है, ये सब कुछ अगर एक बार पैक हो जाते हैं, तो अब जब व्यक्ति एम्फाइमा वाला व्यक्ति जब एक्सहेल करने की कोशिश करते हैं तो लंग पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। लंग पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि इस स्पेस में इतना मटेरियल एक्यूमुलेटेड है कि ये अब ये जो विसरल और पैराटल प्यूरिया है ये आपस में टच नहीं हो पाते एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ठीक, सो ऑटोमेटिकली एक्सहेल नहीं कर पाएंगे तो हर बार लंग्स में कुछ एयर रह जाएगा, एयर रह जाएगा तो इनहेल नहीं कर पाएंगे ठीक से क्योंकि रेजिस्टेंस होगा एंड दैट विल ग्रेजुअली लीड टू अ वेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन या पर्टिकुलरली एयर। ठीक, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस इन एम्फाइमा। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एम्फाइमा के भी, लाइक फॉर एग्जांपल एनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इट कुड बी बैक्टीरियल, इट कुड बी वायरल, इट कुड बी फंगल, इट कुड बी माइकोप्लाज्मिक, ठीक है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे टीबी, निमोनिया, ठीक है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन इन द ब्लड, ठीक, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा, ठीक है, स्पेशली चेस्ट एरियाज में, ठीक है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यहाँ पे टीबी निमोनिया के अलावा रीज़न प्लूरेसी भी हो सकता है, ठीक है, ओके, इसके अलावा इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स, ठीक है, वेंटिलेटर पेशेंट्स, ठीक, ये कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिस वजह से स्कार्स पड़ सकते हैं और स्कार्स के थ्रू एम्फाइमा हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जितने भी हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशंस देखते आ रहे हैं अभी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट विल बी हैविंग डिस्निया, यहाँ पे एक्सहेलेशन के वक्त क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है तो चेस्ट टाइटनेस या कंजेशन जिसको हम कहते हैं चेस्ट कंजेशन फील होता है, ठीक है, फीवर पस की वजह से, स्पूटम प्रोडक्शन, कफ, इट कुड बी क्रॉनिक, फीवर के साथ साथ क्योंकि पस है तो चिल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, डिस्निया बहुत सीवियर होने लगता है एंड उसकी वजह से, डिस्निया तो है ही, उसकी वजह से वीकनेस होने के चांसेस हैं, ठीक है, साइनोसिस होने के चांसेस हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है, ओके, इसके साथ साथ फीवर, चिल्स, स्पूटम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इन पेशेंट्स में, हैलिटोसिस के केसेस देखे जाते हैं क्योंकि पस बहुत ज़्यादा है, म्यूकस बहुत प्रोड्यूस होता है तो बैड ब्रेथ
के चांसेस बहुत ज़्यादा है माउथ में. सो दीज आर सम ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस विच आर सीन इन पेशेंट्स जिनके प्लूरल कैविटी में एम्पाइमा होता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फर्स्ट वी विल टेक अ थॉरो हिस्ट्री टेकिंग प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन टू सी कि किसी भी तरीके का ऑस्कल्टेट करके देखते हैं. ऑस्कल्टेट करते टाइम हो सकता है कि पस की वजह से आपको क्रैकल साउंड सुनाई देंगे, क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन. ठीक है, देर आर चांसेस, काफ़ी पेशेंट्स में सुनाई देता है, मतलब कड़कड़ जैसी आवाज़ जब वो ब्रीथ करते हैं, क्योंकि पस क्या करता है, एयर को वहाँ पे ट्रैप कर लेता है. जब उस एयर पे बार बार जाके एयर टच पस पे एयर जाके बार बार बैंग करेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होने की चांसेस हैं, एंड दैट साउंड कैन बी कॉल्ड एज क्रैकल साउंड. ठीक, ओके, इसके अलावा द पेशेंट विल बी आस्क फॉर अ चेस्ट एक्सरे. ठीक है, चेस्ट सीटी, if not an MRI, chest, ठीक है, then इसके अलावा thoracentesis, thoracentesis needle insert करना thoracic cavity में बाहर से, बॉडी के बाहर से आप प्लूरल कैविटी की तरफ, थोरेसिक कैविटी के थ्रू प्लूरल कैविटी में एक नीडल इंसर्ट कर रहे हैं और फिर वहाँ से पस निकाल रहे हैं. उस पस को निकाल कर आप क्या कर रहे हैं, आप कल्चर के लिए भेजेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उससे जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा और इफ़ेक्टिव हो जाएगा. ओके, इसके अलावा CBC कराते हैं इन्फेक्शन का जो प्रोग्रेस है वो देखने के लिए, ब्लड कल्चर कराते हैं, स्पूटम आ रहा है पेशेंट में तो हम स्पूटम कल्चर कराएंगे. सो दीज आर सम ऑफ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस विच कैन बी डन इन पेशेंट्स विद एम्पाइमा. ठीक, ओके, नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू द मैनेजमेंट. ओके, व्हेन वी डील विथ मेडिकल मैनेजमेंट, बहुत कॉमन मेडिकेशंस जो हम ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के दे रहे हैं वही हम यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं. वी गिव ब्रोंकोडायलेटर्स टू एनहांस मोर इनटेक ऑफ एयर. ठीक है, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स. ठीक, डीकंजेस्टेंस, म्यूकस बहुत ज़्यादा है, थिक म्यूकस है इसलिए हम म्यूकोलाइटिक्स देंगे. ब्रोंकोडायलेटर्स हम जो स्टीम इनहेलेशंस दे रहे हैं, नेबुलाइजेशंस दे रहे हैं, उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स डाल के हम नेबुलाइज करते हैं ताकि इफ़ेक्टिवली वो क्या हो जाएं, ब्रोंकोसिस डायलेट हो जाएं. म्यूकोलाइटिक्स, एंटीट्यूसिफ्स, फीवर होगा पेशेंट को तो हम एंटीपायरेटिक्स देंगे. ठीक है, वी कैन गिव द पेशेंट एंटी हिस्टामिन्स. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी डन. इसके अलावा वी कैन गो फॉर थोरासेंटेसिस. थोरासेंटेसिस नीडल इंसर्ट करके, अगर बहुत कम अमाउंट में पस है तो आप थोरासेंटेसिस करा के नीडल एक्सपिरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप उस पस को निकाल सकते हैं. लेकिन हम उन केसेस में क्या करेंगे जब प्लूरल कैविटी में बहुत पस भरा हुआ है, आप बार बार हर एक पॉइंट पे नीडल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस वी गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट. ओके, व्हाट वी डू इज थोरैकोस्टोमी. ठीक है, थोरैकोस्टोमी कर हम क्या कर रहे हैं, ड्रेनेज कर रहे हैं.
इट इज़ नॉट एज इफ अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक माइनर सा प्रोसीजर है जिसमें आप एक चेस्ट ट्यूब, एक रिब के दो रिब्स के बीच में से आप क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, एक इंसिशन क्रिएट करते हैं. इंसिशन क्रिएट करने के बाद वो चेस्ट ट्यूब प्लूरल कैविटी में अटैच कर दिया जाता है और आप बाहर से इसको क्या कर देंगे, स्यूचर कर देंगे. और उस चेस्ट ट्यूब का जो एक एंड है, एक एंड तो प्लूरल कैविटी में है, दूसरा एंड कहाँ पे डालते हैं आप, ड्रेनेज सील में, वाटर सील ड्रेनेजेस होते हैं उसमें आप प्लेस करेंगे. और उस कंटेनर के प्रेशर के थ्रू ये सारा, मतलब वो कंटेनर बेड के नीचे रखा होगा एंड पेशेंट बेड पे लेटे होंगे इन अ सुपाइन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, पोजीशन चेंज कराते रहेंगे ताकि वो पूरा फ्लूइड इसमें चला जाए. तो ये ग्रेविटी की वजह से सारा, और जो अगर वाटर सील आप ड्रेनेज बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो प्रेशर भी रहता है, जिस वजह से सारा जो मटीरियल है, जो पस मटीरियल है, वो क्या हो जाएगा, ड्रेन होके बाहर आ जाएगा. दिस कुड बी वन थिंग दैट कैन बी डन. अगर ये नहीं कर सकते हैं, मतलब ये किया और ये सक्सेसफुल नहीं रहा, देन ओपन डिकॉर्टिकेशन. ओपन डिकॉर्टिकेशन मतलब ओके, इसके पहले लेज़र और वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी. ओके, दिस कुड बी डन फर्स्ट लेज़र के थ्रू या वीडियो असिस्टेड थ्रू. क्या किया जाता है, थोरैसिक सर्जरी की जाएगी और उतने लेयर के पास को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उतने से लेज़र से या फिर वीडियो असिस्टेड सर्जरी से सक्सेसफुल हो, या जहाँ पेशेंट है वहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है. तो जो कॉमनली पहले से किया जा रहा है, दैट इज़ ओपन डिकॉर्टिकेशन. ओपन डिकॉर्टिकेशन इज़ सर्जिकली थोरैसिक कैविटी को ओपन किया जाता है, और ओपन करने के बाद जो प्लूरा का लेयर है उसे पील करके पूरा जो पस है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक, सो दीज आर सम ऑफ दी सर्जिकल मैनेजमेंट दैट कैन बी डन. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट. सो एम्पाइमा क्या है, वो एम्पाइमा और एम्फाइसीमा में कभी भी आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना. एम्पाइमा पाई है तो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू पस, जबकि दूसरा जो टर्म है दैट इज़ एम्फाइसीमा, PHY है, सो दैट इज़ नॉट अबाउट पस, दैट इज़ अबाउट दी ओवर डिस्टेंशन. ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्पाइमा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.